सॉरी, एक्चुअल में सो आई थिंक यहाँ पे नेट का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू करें, तो कुछ लोग और आ जाएं तो अपना डिस्कस करते हैं। दीपेश भाई आ गए हैं, अक्षय जी आ गए। अक्षय जी हेलो, अक्षय भाई कैसे हैं? अक्षय राव जी, सुहास जी आ गए हैं, शायद सुहास जी महाराष्ट्र से हैं, और कुछ लोग और आ जाएं तो अपना शुरुआत करते हैं। अरविंद जी आ गए हैं, शायद गुजरात से हैं, गुजरात से। नितिन भाई, नितिन भाई कैसे हैं? अमित जी आ गए हैं, धर्मेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह शायद राजस्थान से, एडवोकेट से हैं। तो भूपेंद्र भाई आगरा से। जी, तो मैं भी बढ़िया हूँ भूपेंद्र भाई, बहुत फर्स्ट क्लास हूँ। आप क्वेश्चन आप अपने लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बहुत क्लियरली बात करेंगे आज पूरी कम्युनिटी के साथ में, एक एक चीज के लिए। कि विजय भाई आ गए हैं फैदाबाद से। विजय भाई कैसे हैं? विजय भाई और चुड़ासमा जी आ गए हैं, गुजरात से हैं। चुड़ासमा जी, आप अपने क्वेश्चंस लिखना शुरू कर सकते हैं, और थोड़ा सा मैं बीच में अपडेट देता रहूंगा हमारा क्या प्लानिंग है। तो क्वेश्चन लिखने, चंदन भाई आ गए नासिक से, राजेश राजी आ गए हैं, वेरी गुड आफ्टरनून राजेश भाई, पंकज भाई आ गए हैं, चंदन भाई हेलो, कैसे चंदन भाई? थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा कि पूरी सिनेरियो के बारे में। जैसा आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि हम पिछले 2017 से हमने एटीसी कॉइन लॉन्च किया था, और एटीसी कॉइन लॉन्च करने के बाद में अक्टूबर 2017 में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जो सब आप सब लोगों को मालूम है। प्रॉब्लम्स आने के बाद में हमने हर सारा सारा सिस्टम लाइव रखा था, और आज भी लाइव चल रहा है, ऑफिस लाइव चल रहा है, हर एक चीज लाइव चल रहा था। तो 3 साल तक हम लोग वेट कर रहे थे गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट क्या इस चीज के ऊपर डिसीजन लेती है, किस तरीके से वर्किंग करती है। और ये सारी सारी चीज, जैसे आपने देखा था कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है, जैसे हमारा एटीसी का प्रोजेक्ट था, है, तो उस प्रोजेक्ट में क्या था कि एक सिस्टम होता है कि आप जो भी कॉइन सेल कर रहे हैं उस कॉइन को कैसे आप यूज करेंगे, कहाँ कहाँ पे यूज होगा, वो उस तरीके से पूरा एक प्रोजेक्ट होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इतना खर्च करेंगे, टेक्नोलॉजी में इतना खर्च करेंगे, मार्केटिंग में इतना खर्च करेंगे, लेकिन इतफाक से वो फंड ब्लॉक होने की वजह से, अकाउंट फ्रीज होने की वजह से पूरा प्रोजेक्ट ऐसे ही होल्ड पर चला गया था। और सिर्फ हम लोग 2.5-3 साल से सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज थे उस रिसोर्सेज से हम सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे। और आप जैसा देखा होगा कि पिछले मार्च के फर्स्ट वीक में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया कि आरबीआई का जो बैन था उसको हटा दिया गया, और हटा देने के बाद में हम जिस चीज का वेट कर रहे थे वो क्लियर हो गया कि अभी हम उसमें INR में वर्क कर सकते हैं या इंडियन रुपीज में वर्क कर सकते हैं। और वो हमारा क्लियर होने के बाद में हमने अपना रोड मैप तैयार किया, और रोड मैप हमारा क्या था कि हम जो हमारे एक्सचेंज है उनको स्मूथ करेंगे, और एटीसी से हम लोग सारे सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि रेल टिकट है, एयर टिकट है, बस टिकट है। जैसे आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जब आरबीआई का बैन नहीं था तो हम लोग सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, और मोबाइल रिचार्ज भी उसमें हो रहा था, फ्लाइट टिकट भी उसमें हो रही थी, बिल पेमेंट्स भी हो रहे थे, तो सब लोगों ने एंजॉय भी किया उस चीज को। लेकिन आरबीआई के बैन के बाद में वो सर्विसेज हमने हमको बंद करनी पड़ी, और बंद करने के बाद ये पोजिशन आया कि अभी हमने वो सारी सारी सर्विस लाइव करने के लिए प्लानिंग किया। और इतफाक से आप कुदरत की देन कहो या जो मर्जी आपको, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हमने वर्किंग स्टार्ट किया, और ये कोरोना का ये सारा सारा स्टार्ट हो गया, और हम सब लोग लॉकडाउन के अंदर फंस गए। लेकिन बैकएंड में हमारे सारे काम चालू है, जैसे मैंने आपको बताया था कि टेक्नोलॉजी की चीज हमारी टीम है वो अपने घर से सारे सारे काम कर रही है, उसी तरीके से वर्किंग चल रहा है। और जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है और सिचुएशन स्मूथ होती है, तो हम एटीसी से और दूसरे जो भी हमारे सिस्टम है उससे हम लोग ये सर्विस लाइव कर देंगे। अब 2-3 क्वेश्चन आए थे काफी लोगों के, जो जी हमने एटीसी को महंगे प्राइस में परचेज किया या इस रेट में परचेज किया या एक्सिस मतलब ओवर रेट में परचेज किया, तो हमने क्या किया था, शायद आपको सबको ध्यान होगा कि हमने एयर ड्रॉप्स प्रोवाइड किए थे सब लोगों को, एक्स्ट्रा एयर ड्रॉप्स, जैसे अदर अदर कॉइन के अंदर वो सारे क्रिप्टो इनबॉक्स में आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, आप उनको विड्रॉल करके एक्सचेंज के ऊपर
ले जा सकते हैं। तकरीबन 20 कॉइन हमने वहां पर डिजाइन किए थे मल्टीपल सर्विसेज के लिए। वो सारे कॉइन आप विड्रॉल कर सकते हैं, विड्रॉल करके आप ट्रस्ट वॉलेट में रख सकते हैं, क्योंकि ये सारे कॉइन जो है हमारे ERC-20 इथेरियम बेस्ड टोकन्स हैं, और इथेरियम बेस्ड टोकन्स को आप ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर रख सकते हैं, तो वो आपके सेफ उसमें आ जाते हैं, या आपने उसके किसी भी पारो एक्सचेंज के अंदर या किसी दूसरे एक्सचेंज में आप उसको रख सकते हैं। तो जैसे जैसे मैंने बताया था कि आपको आने वाले समय में वो सारी सर्विस मिलेंगी जो ATC कॉइन से, मतलब जो एयर ड्रॉप भी हमने आपको दिया है उससे भी वही सर्विस आप ले सकते हैं जो सर्विस आपने ATC कॉइन से मिलेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमने अब पूरा रोड मैप तैयार कर दिया है, पूरा प्लानिंग तैयार कर दिया है। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होता है हम आप सब लोगों को वो सारी सारी फैसिलिटीज देना शुरू कर देंगे। मैंने पहले ही बताया था, सिर्फ हम लोग वेट कर रहे थे 2.5-3 साल से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कि सुप्रीम कोर्ट क्या बैन को लेफ्ट करता है या कंटिन्यू रखता है। तो दोनों ही ऑप्शन हमने रखे थे कि अगर वो बैन करते हैं, कंटिन्यू करते हैं बैन को, तो हम क्या क्या करना है, अगर वो बैन को हटा लेते हैं तो हमें क्या करना है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि बैन हटने के बाद में हमारे पास जो हमारे यूजर्स हैं जिनको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आगे भी उसी तरीके सर्विस प्रोवाइड करते रहेंगे। तो अभी जैसे ये सिचुएशन नॉर्मल होंगी तो ATC कॉइन से या क्रिप्टो बॉक्स में जो कॉइन है उन सब से लोगों से आप सर्विसेज हमारे लेना शुरू कर देंगे। और जो भी पारो एक्सचेंज के अंदर है, आपने देखा होगा पारो एक्सचेंज कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्ट हो चुका है, सिर्फ उसका वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं आ रही है वहां पे। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड इंक्रीज होना हो जाएगा। और आज आपके पास में कॉइन आपका अपना है, एक्सचेंज आपका अपना है, मार्केट अपनी है। जैसे आपने मेरा एक्सपीरियंस देखा होगा कि पिछले 15 साल 16 साल का मेरा वॉलेट इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस है, ट्रेवल इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस है। तो ऑटोमेटिकली जब इस कॉइन से ट्रेवल इंडस्ट्री, जैसे मैंने बताया था कि माई मनी सेवा से हमने काफी सर्विस लोगों को दी है, आगे भी उसी तरीके से इसी कॉइन से सब लोगों को सर्विस मिलती रहेगी। ATC से या दूसरे कॉइन से भी कोई भी आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। ये हमारा प्लानिंग है आने वाले समय के लिए। और उसी हिसाब से आप देखेंगे कि जैसे ही कॉइन बर्न होगा, बर्न होने के बाद में उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। तो ये तो हमारे लिए, आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम धीरे धीरे इसमें और सर्विसेज ऐड कर रहे हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ आप सब लोगों के लिए, उसी हिसाब से वर्कआउट कर लेंगे। तो आई थिंक काफी लोग हैं। नीलू जी नमस्कार, नीलू जी आ गई गाजियाबाद से, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। निमेश मेहता जी बिल्कुल मजे में हैं। पंकज सावरी जी, अगर क्रिप्टो इनबॉक्स का फुल विड्रॉल कब मिलेगा? पंकज जी मैंने लास्ट बार भी आपको बताया था, हम सिर्फ वेट कर रहे थे इसी चीज का, और बहुत जल्दी क्रिप्टो इनबॉक्स का फुल विड्रॉल आपके लिए खोल देंगे, सब लोगों के लिए खोल देंगे। यशपाल माने जी आ गए, यशपाल जी नमस्कार, बिल्कुल बढ़िया है। जावेद भाई बॉम्बे से हैं। राजेंद्र पवार जी नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं? पीयूष बरक्ता जी हैं, बिल्कुल बढ़िया। पीयूष भाई आप कैसे हैं? जिग्नेश भाई क्रिप्टो इनबॉक्स का, जैसे जिग्नेश भाई शायद जामनगर से है, जिग्नेश भाई पूरा जो विड्रॉल है क्रिप्टो इनबॉक्स का बहुत जल्दी हम ओपन कर देंगे सब लोगों को। जो भी विड्रॉल है बहुत क्लियर कर देंगे, वो ओहो कैश का विड्रॉल हो, वो पारो एक्सचेंज का विड्रॉल हो, वो क्रिप्टो इनबॉक्स का विड्रॉल है, आपको बहुत जल्दी सारे सारे विड्रॉल्स आपको क्लियर हो जाएंगे। मैं जैसे मैंने पहले बताया था कि अभी हमारा हम वेट कर रहे थे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स के लिए, वो सब क्लियर हो गया है, उसके बाद में सारी फैसिलिटीज आपको मिलनी शुरू हो जाएंगे। अनिरुद्ध जी कह रहे हैं बावलिया जी कि ट्रेड संतोषी में जो ATC उसका क्या होगा? देखो ट्रेड संतोषी की जो पोजीशन है, हम उस पर सोच रहे हैं कि काफी लोगों के कॉइन वहां पे फंस गए हैं, उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं दिया है, हम उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो उसका सॉर्ट आउट निकालते हैं, क्योंकि हमारे ATC यूजर्स काफी थे, 10 दिन का टाइम दिया था, उनको ज्यादा टाइम देना चाहिए था, उसका कोई सोल्यूशन निकाल के बहुत जल्दी आपको अपडेट देंगे उसके ऊपर। राजेश राजी कह रहे हैं कि अरिस्टो और BCI में ATC में बहुत महंगे भाव में लोगों ने लिया है, उसको परेशान कर रहे हैं। राजेश भाई हम जिन लोगों ने महंगे कॉइन अरिस्टो में लिए हैं अथवा BCI में लिए हैं, तो उनका भी हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे एयर ड्रॉप के द्वारा या किसी दूसरे तरीके से। लेकिन हाँ ये फैक्ट बात है, जैसे आप मैं अभी फुल टाइम मुझे क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम करना है, और मैं 2.5-3 साल से वेट कर रहा था इस चीज के लिए कि जो भी बेस्ट होगा इस इंडस्ट्रीज के लिए हम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। नीलू जी कह रही है क्रिप्टो काका विड्रॉल कब मिलेगा? नीलू जी क्रिप्टो काका का जो BTC विड्रॉल वगैरह है वो आज सब चालू हो जाएगा, आज काफी अपडेट होगा, मंडे शाम तक क्रिप्टो जो काका है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं क्रिप्टो काका के बारे में आपको बताऊंगा, वो फुल डिस्कस करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ जनरली, उसके बाद में डिस्कस करूंगा। मंगल जी कह रहे हैं कि आप सभी सर सभी लोग काम करना चाहते हैं, आपसे उम्मीद है अच्छा होगा।
100% मंगल भाई, बहुत अच्छा करने का प्लानिंग है, और इसीलिए इतने टाइम से मैं वेट कर रहा था कि भाई कुछ अच्छा हो तो हम आगे बढ़े। यश माने जी के टेक केयर भाई। मैं यश जी 100% मैं इन हाउस हूँ, और सबसे बड़ी चीज क्या, दोनों काम हो रहे हैं। एक तो काम करने का मौका मिल रहा है घर में आर&डी, क्योंकि जैसे मेरी हैबिट है मैं आर&डी बहुत करता हूँ, तो काम करने का मौका मिल रहा है, फैमिली को संभालने का मौका मिल रहा है, और जो इतने टाइम से टाइम दे पाया था अभी टाइम भी दे पा रहे हैं। तो शायद आप सब लोग भी अपनी अच्छी तरीके से केयर कीजिएगा, घर से बाहर नहीं निकलिएगा, और क्योंकि ये जो समस्या है, जो कोरोना की समस्या, ये बहुत खतरनाक है। जैसे मैंने 2 दिन पहले ही बताया था, अमेरिका ने ओवर कॉन्फिडेंस में आके उसको लॉकडाउन नहीं किया, और जब लॉकडाउन नहीं किया तो आज आप देखेंगे तकरीबन 2.5 लाख पेशेंट्स वहां पे हो चुके हैं, और करीब 5 से 5,500 वहां पे डेथ हो चुकी हैं। ये बहुत बुरी खबर है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो डिसीजन टाइम पे डिसीजन होता है, ये सबसे बड़ी चीज होती है। उन्होंने सबसे अच्छा डिसीजन क्या लिया कि इकोनॉमी को साइड में रखा, कि पहले लोगों की जान के ऊपर, जो उनकी सेफ्टी है उसके ऊपर फोकस किया। यूएस ने वो गलत किया, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को पहले फोकस किया और पब्लिक की जान को उन्होंने अहमियत नहीं दी। ये बहुत एक वो है, और आज हमें अच्छा मौका मिला है कि हम लोग अपनी हेल्थ को बचाने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए मोदी जी ने लॉकडाउन के बहुत अच्छा स्टेप उठाया, और हमें सपोर्ट करना चाहिए सब लोगों को, गवर्नमेंट को भी और अदर लोगों को भी। तो सो आई थिंक विनायक जी, आप मेरे उसका जवाब मिल गया होगा, ओहो कैश विड्रॉल का। तो जो ओहो कैश का विड्रॉल है, बहुत जल्दी जैसे ही नॉर्मल स्थिति होगी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। पंकज जी कह रहे हैं कि सीएमसी डाटा कब होगा। सो आई थिंक हमने वर्किंग चालू कर दी है उसमें, और सीएमसी में जो पारो एक्सचेंज में जो डाटा है बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। अंकुर भाटी जी कहते हैं कि एटीसी पहले जैसे पोजिशन में कब आएगा। अंकुर भाटी, शायद आप ग्रेटर नोएडा से हैं जहां तक मैं समझ रहा हूँ, और बहुत जल्दी एटीसी अच्छे मुकाम पे होगा। क्यों होगा? जो मेरी अभी रोड मैप है क्रिप्टो क्रिप्टो काका के अंदर, जो हम बोर्ड चालू कर रहे हैं और बहुत अच्छी बर्निंग चालू हो गई है, आने वाले समय में जो क्रिप्टो काका है उसके अंदर आप बोर्ड परचेज कर सकते हैं एटीसी से, आप फ्रेंचाइजी परचेज कर सकते हैं उससे, जो भी सर्विसेज है वो सर्विस परचेज कर सकते हैं, और जब ये बर्न होना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड आपको मिलेगी मार्केट में देखने के लिए। रमेश चंद जी कह रहे हैं कि आईएनआर बैंकिंग कब चालू होगी। रमेश जी, एक्चुअल में ऑलरेडी हमने प्रोसेस चालू कर दिया है, और बहुत जल्दी आपको इंडियन आईएनआर के अंदर हम ट्रांजेक्शन चालू कर देंगे। सो आई थिंक मई के अंदर आपको आईएनआर बैंकिंग चालू हो जाएगी। हमें 1 महीना करीब टाइम लगेगा, अब प्रोसेस चालू कर दिए हैं, सिचुएशन भी नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको मालूम है कि बैंकिंग जो है शायद आज बैंकों में बहुत कम काम हो पा रहा है, ऑनलाइन ही काम हो पा रहा है, तो हम जो बहुत जल्दी आपको इसमें चालू कर देंगे। अमित जी, अमित भाई कैसे हैं? अमित भोला जी शायद नीलोखेड़ी से हैं, हरियाणा से। सर 3 साल से वेट कर रहे हैं एटीसी के लिए, बहुत उम्मीद है। अमित भाई, ये तो फैक्ट बात है कि एटीसी एक टाइम के अंदर 100% मैं बात कह रहा हूँ इस चीज को, कि एक ब्रांड बन चुका है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सब लोगों को कि जो आप सब लोगों ने, इतने सारे लोगों ने मुझे तहे दिल से सपोर्ट किया और खड़े होने के लिए मजबूत किया। बहुत जल्दी आपको एटीसी के ऊपर आप गर्व करेंगे। आज भी जो डिमांड है, रेट कुछ भी है प्लस माइनस चलता रहता है, लेकिन आज भी स्टेबल है और मार्केट के अंदर खड़ा हुआ है। नए नए एक्सचेंज आ रहे हैं, P2P बहुत बड़ा एक्सचेंज वो ऐड हो चुका है, वॉल्यूम भी काफी अच्छी आ रहा है, और भी उसमें धीरे धीरे नए नए एक्सचेंज हम लोग ऐड करेंगे, तो 10 से 12 इंटरनेशनल एक्सचेंज ऐड हो जाएंगे, आर्बिट्रेज चालू हो जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। जिग्नेश भाई कह रहे हैं कि एटीसी कॉइन को बिनांस जैसे इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर कराओ। बेसिकली देखो, 100% क्या होता है कि सब लोग अच्छे अच्छे एक्सचेंज डिमांड करते हैं, और बहुत टाइम पहले हमने डिस्कस किया था बाइनेंस से, तो उन्होंने रिफ्यूज किया था, पता नहीं किस कारण से किया था, बट जैसे जैसे हमारे यूजर्स बढ़ते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली अदर एक्सचेंज में वॉल्यूम बढ़ेगी, तो वो अपने आप लिस्ट कराएंगे, तो हमें वेट कर रहे हैं कि हमारी वॉल्यूम बढ़े और अपने आप वो लिस्ट हो जाएगा वहां पे। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि ओल्ड आईडी ओपन नहीं हो रही है, पासवर्ड भी रिकवरी नहीं हो पा रहे। धर्मेंद्र जी, कॉल सेंटर चालू है, सब लोग वर्क टू होम कर रहे हैं, आप कॉल सेंटर में कॉल करके अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं क्रिप्टो इनबॉक्स से, और सबकी आईडी चालू है, हमने किसी की ब्लॉक नहीं की है।
राणा जी कह रहे हैं कि सर डोमेस्टिक एक्सचेंज को परलिस्ट करा दो एटीसी को। हम कोशिश कर रहे हैं और भी काफी एक्सचेंज के ऊपर, जैसे मैंने बताया था कि हम सिर्फ वेट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, और वो ऑर्डर आ गया। अब हमने ऑलरेडी रोड मैप तैयार कर लिया है, जैसे ही नॉर्मल स्थिति होगी हम इसको आगे लेके जाएंगे। और बहुत बड़ी प्लानिंग है, आप ताजुब रखेंगे कि आने वाला जो समय है वो एटीसी के लिए और क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कि 2017 में हमने पूरे गांव गांव तक एटीसी को पहुंचाया था। हमारा काम था कि अवेयरनेस क्रिएट करना, और बहुत अच्छी हमने अवेयरनेस क्रिएट करी। हाँ, नो डाउट कुछ लूजर्स होते हैं, कुछ गेनर्स होते हैं, तो ये तो मैंने पहले भी कहा था कि क्रिप्टो इंडस्ट्रीज हाई रिस्क इंडस्ट्रीज है, लूजर भी होंगे गेनर भी होंगे, बट डिपेंड करता है कि आप कैसे उसमें वर्क करते हैं। सर आपके स्टूडेंट हैं 2006 से जब आपके साथ हैं अमित भाई, आपने देखा होगा कि हमने ऑलरेडी काफी चीज 2006 में, मैं शायद 2002 से वॉलेट इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूँ, और डन कार्ड जो था वो हमारा पहला प्रोडक्ट था जो लॉन्च किया था। और ये भी आप ताज्जुब करेंगे कि इंडिया का फर्स्ट आरबीआई लाइसेंस था वॉलेट इंडस्ट्रीज में। तो कोशिश होती है कि कुछ अच्छा करें, आगे भी उसी तरीके से करते रहेंगे। हिरेन भाई कहते हैं कि पारा एक्सचेंज के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को लॉक डाउन कीजिएगा। अब बेसिकली हिरेन भाई क्या होता है कि मैंने जो देखा है, कुछ लोग, सब लोगों की बात नहीं करता हूँ, जियो ने ऐसा कर दिया है कि इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया है और उनको राइट्स दे दिया है कि जैसे मैंने देखा था कि वो कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं और पूरी इंडस्ट्रीज को, मतलब पूरे ग्रुप को खराब कर देते हैं। अभी हम सिर्फ ओपन डिस्कशन कुछ नहीं करेंगे, हम अपने मैसेज दिया करेंगे आपको कि भाई हम लोग ये कर रहे हैं, और जो ग्रुप में है जो भी एडमिन है वो एडमिन अपने मैसेज दिया करेंगे, हम आपको इन्फॉर्मेशन दिया करेंगे हम ये करने जा रहे हैं। ओपन डिस्कशन हम लोग अभी चालू नहीं करेंगे क्योंकि अननेसेसरी की बहुत ज्यादा बातें हो जाती है बिना बात के। अंकुर भाटी जी, हाँ बुलेन सर से शायद, सो आई थिंक मुझे ध्यान है कि आप बुलेन सर साइड से हैं अंकुर भाई। निमेश मेहता जी, काका बोर्ड में यूएसडी बोर्ड, निमेश भाई ये बहुत जल्दी, मैं शायद सो आई थिंक नेक्स्ट वीक में हम लोग यूएसडीटी बोर्ड चालू करेंगे काका में भी। अभी बीटीसी बोर्ड चालू किया है, धीरे धीरे 3-4 बोर्ड और चालू हो जाएंगे वहां पे। जावेद भाई कह रहे हैं कि क्रिप्टो इनबॉक्स पे पासवर्ड रिसेट्स लिंक नहीं मिल पा रहा है मोबाइल पे। जावेद भाई कॉल सेंटर में कॉल कर दीजिएगा, उनको बताइएगा, और अनिकेत भाई हैं वो कोशिश करेंगे आपको पूरा सॉर्ट आउट करने के लिए। मैंग गुप्ता जी कहते हैं सर वजीर एक्सप्रेस करवा दो तो अरिस्टो एटीसी को। मैंग भाई मेरी कोशिश है जितने भी इंडियन एक्सचेंज है मैं उनसे पर्सनली मिलूं, क्योंकि अभी तो नहीं मिल पाया हूँ। कॉइन डीएक्स वालों से मिला था, मिस्टर गुप्ता है उनसे मिला था, वजीर एक्स वालों से नहीं मिला, बट काफी लोगों से मिला हूँ जो इंडियन एक्सचेंज है, और कोशिश रहेगी कि इंडियन एक्सचेंज में सब जगह हम उसको लिस्ट कराएं और अपनी बात रखें उन लोगों सामने कि हम लोग किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। और क्योंकि यूजर्स जो है, शायद बहुत ज्यादा यूजर्स हमारे पास में है, हमारे इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा हैं, तो आने वाले समय में हम बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के लिए, और वही फायदा आप सब लोगों को मिलेगा उस चीज का। मैं कुछ और लोगों के क्वेश्चन ले सकता हूँ। सौरभ चौहान जी कह रहे हैं कि सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। सौरभ भाई क्या रिक्वेस्ट है बताएं तो। अल्ताफ पठान, अल्ताफ भाई कैसे हैं? अल्ताफ भाई मेरा तो काम है कि काम करने का और इंडस्ट्रीज को कुछ अच्छा देने का। हाँ ये तो है कि 100% लोगों को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल होता है, मेरी कोशिश होती है अच्छा काम करें और लोगों को सेटिस्फाई करें, उनको अच्छा काम करके दें। दीपक भाई कह रहे हैं बैंक अकाउंट ओपन हुए। दीपक भाई अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन हाई कोर्ट, इसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद हमने बात की डिपार्टमेंट से, और शायद बहुत जल्दी हमारे ओपन हो जाएंगे। उसके बाद में जो भी पैसा है वो इसी इंडस्ट्री से मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, इसी सिस्टम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है जिससे आप सब लोगों को उसका बेनिफिट मिले। विक्रम नागरेज कह रहे हैं सर 14 मार्च से पारो एक्सचेंज का विड्रॉल किया कॉइन, अब कब तक होल्ड पर है? कंटिन्यू फॉलोअप कर रहा हूँ, डिटेल्स आपको विक्रम भाई मुझे नहीं मालूम है, शायद मुझे मैसेज नहीं मिला होगा। आप एक काम कीजिएगा, आप टिकट क्रिएट कीजिएगा या कॉल सेंटर फोन कीजिएगा, आप उसको सॉर्ट आउट कराओ तो आपका जो विड्रॉल का इश्यू है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। दीपेश भाई कह रहे हैं कि होप आपके अकाउंट जल्दी ओपन है। दीपेश भाई राजकोट से हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं इनके घर पे भी गया हूँ, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं इनके, और भगवान उनको लंबी उम्र दे, अच्छी एजुकेशन दे, आप उनको परवरिश बहुत अच्छी तरीके से करें, अच्छे संस्कार दिए हैं, तो जल्दी अकाउंट ओपन हो जाएंगे और सारा सारा उस पे आएंगे। देखो दो चीज होती है,
लाइफ के अंदर तकलीफें आती है, सबको तकलीफें आती हैं, लेकिन मैं तकलीफ में खड़ा होना वो सबसे बड़ी चीज है। और आज आप सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, इंडस्ट्री ने सपोर्ट किया, और आज मैं खड़ा हूं, और बहुत अच्छा हम लोग इंडस्ट्रीज के लिए करेंगे। अमित कह रहे हैं सौरभ चौहान है उनकी, उनमें है करते कुटुंब काका में आईडी। अमित भाई आप इनको सपोर्ट कीजिएगा, और सो आई थिंक अनिकेत भाई से बातचीत करके इनका सॉर्ट आउट कराइए जो भी मैटर है। दीपक जी कह रहे हैं नोवा पर फिर से लिस्ट फिट कर सकते हैं। बेसिकली लिस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग वही कर रहे हैं। एक हाई रिस्क हमारे लिए सबसे बड़ी चीज क्या थी कि ट्रेड सतोशी के ऊपर ही सारे यूजर्स थे, वहीं पे लोग ट्रेडिंग कर रहे थे, और ये पोजिशन आ गया था कि हम लोगों ने बहुत अनाउंस भी किया था कि शायद हमें रिस्क लग रहा है ट्रेड सतोशी के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से मेरे खुद का भी अकाउंट उन्होंने ब्लॉक किया और यूजर्स के भी ब्लॉक किए, और उन्होंने ब्लॉक करने के बाद में मैंने स्टैक्स के ऊपर भी सब लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि भाई और दूसरे एक्सचेंज है, जैसे ला टोकन था, बहुत अच्छा एक्सचेंज था यूएस का, हमने बहुत मेहनत किया उस पर लिस्ट कराने के लिए कि वहां पे आप ट्रेडिंग करें, लेकिन जब ट्रेडिंग नहीं हुआ तो डिलिस्ट हो गया वहां पे ला टोकन के ऊपर। और हम लोग उनसे फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे यूजर्स वहां पे आएंगे, वो लिस्ट होंगे, तो ऑटोमेटिकली वो होगा। तो आप सब लोग क्या करें कि जितने भी एक्सचेंज है सब पे इक्वल आप रखा करें, ऐसा ना करें किसी जगह सारा सारा आपके कॉइन हो। धीरे धीरे क्योंकि एटीसी अपने आप एक ब्रांड बन चुका है, और लोग समझते हैं जितने ज्यादा एटीसी उनके पास होंगे फ्यूचर में अच्छी बेनिफिट उसका मिल सकते हैं, एक्सचेंज वाले भी ये सोचते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना जो रिस्क है वो इक्वल रखें सब जगह, एक एक्सचेंज के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। अंकुर भाटी जी कह रहे हैं कि क्रिप्टो इनबॉक्स पे रिसर्च आईडी पर पासवर्ड का लिंक नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से आप थोड़ा बात कर लीजिएगा कॉल सेंटर में, वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। प्रशांत गुप्ता जी हैं, प्रशांत जी नमस्कार, कैसे प्रशांत जी, प्लीज टेक्स्ट योर कस्टमर केयर नंबर इन द सेम ओल्ड नंबर, इट इज द सेम ओल्ड नंबर प्रशांत जी, वही नंबर है, आप उसी पे कॉल कर सकते हैं, और हमारे जितने भी कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव हैं वो पूरा सपोर्ट में लगे हुए हैं। अभी ऑफिस टाइम है 10 से 6 बजे तक, 10 से 6 आप कॉल कर सकते हैं, घर से काम कर रहे हैं, हमने कॉल डाइवर्ट लगा दिया सबका, और आपको सपोर्ट मिलेगा। कुछ पार्ट ऐसे होंगे कि वो अनेबल होंगे सपोर्ट देने में, बट वो कोशिश करेंगे मैक्सिमम आपको सपोर्ट कर सकें। अक्षय रावत जी एक्चुअल में लाटोकन का ऑलरेडी रिप्लाई है, उन्होंने कहा है कि अगर आप कमिट करते हैं कि अच्छी वॉल्यूम जाएगी तो हम उसको दोबारा से लिस्ट कर सकते हैं, तो सो आई थिंक मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले समय में लाटोकन भी हमारा लाइव हो जाएगा, और जिन लोगों के क्वाइन फंसे हुए हैं ट्रेड सतोशी में उसका भी हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने की बात करेंगे, ट्रेड सतोशी वालों से बात करेंगे भाई जिन जिन यूजर्स के हैं उनको आप वो क्वाइन वापस कर दें तो बेटर होगा, फिर भी देखते हैं कि क्या पोजिशन आती है। शायद विक्रम जी कह रहे हैं पारो से किसी भी एक्सचेंज पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मैंने स्टैक्स पे कोशिश करने की विक्रम जी आप कोशिश कीजिएगा, सो आई थिंक बराबर ट्रांसफर हो रहे हैं, विदड्रॉल हो रहा है पारो एक्सचेंज के ऊपर, सिर्फ यूएसडीटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जैसे मैंने पहले बताया था कि यूएसडी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, कुछ हमारे फंड्स ब्लॉक हो गए थे, और कुछ ही लोगों के है यूएसडी का प्रॉब्लम, वो भी सॉर्ट आउट जल्दी हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में हम उसको कोशिश करेंगे सॉर्ट आउट करते। पटेल भावेश कह रहे हैं आयुष्मान कब तक लिस्ट होगा, फिक्स टाइम दीजिएगा। भावेश भाई देखो मैं फिक्स टाइम तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, जब तक जैसे ही हमारे पारो एक्सचेंज के ऊपर वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा तो अरिस्टो अपने आप ही वहां पर लिस्ट हो जाएगा, एक एक्सचेंज में आएगा तो बाकी एक्सचेंज में अपना आप आना शुरू हो जाएगा, लेकिन जल्दी जल्दी मैं अरिस्टो को भी लिस्ट कराने की, अरिस्टो नहीं जितने भी हमारे कॉइन है मैं लिस्ट कराने की कोशिश करूंगा। सो आई थिंक काफी लोग क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं अभी थोड़ा सा क्रिप्टो काका के बारे में आपको बता दूं, जो क्रिप्टो काका है ये एक हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि एटीसी से हम इसमें बोट सेल कर रहे हैं, और वो बोट क्या है कि आप $100 पे करेंगे, आप एक बोट परचेज करेंगे, और वो बोट परचेज करने में $2,500 तक की बीटीसी आप वहां पर डिपॉजिट कर सकते हैं, और उस डिपॉजिट के ऊपर जो भी डिपॉजिट आपका आएगा उससे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, और जो भी ट्रेडिंग का प्रॉफिट होता है वो हम आप लोगों में 50% यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं, 50% हम लोग रेफरल इनकम के अंदर लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपका काफी अच्छा रहेगा, आप इसमें क्रिप्टो में क्रिप्टो काका में अच्छी तरीके से वर्किंग कर सकते हैं,
आप अपनी अप्लाई से बात करें, लोगों से बात करें, और अगर किसी का के पास में अप्लाई अगर काम नहीं कर रही है तो दूसरे काफी लोग हैं उसका जो कॉल सेंटर से आप लिस्ट ले सकते हैं कि कौन किसी सेट कौन से सिटी में कौन आदमी काम कर रहा है, तो उनको हम सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। और अभी क्या होगा, क्रिप्टो का हम सपोर्ट करने के लिए हम सिटी वाइज जो है जो हमारे अच्छे एग्जीक्यूटिव एजेंट्स हैं उनका नंबर देना शुरू कर देंगे। तो जो भी अलग अलग सिटी के हैं कॉल सेंटर में लिखा दें अपने नाम नंबर लिखा दें कि वे कौन से सिटी में है आप वर्किंग करना चाहते हैं, तो वहां पे से आपको लिस्ट लीड मिलना शुरू हो जाएगा। हम लोग सामने से आपको लीड प्रोवाइड करेंगे जिनको काम करना है। पंकज सावरिया जी कह रहे हैं कि नहीं होगा आपसे लिस्टेड सीएमसी कॉइन। पंकज भाई देखो, कोशिश करना हमारा फर्ज है, लेकिन 100% जो काम किसी से नहीं हुआ हमने किया है, करेंगे भी। बट वो ठीक है, आपका विचारधारा है, आपकी सोच है, बट काम जल्दी होगा, 100% होगा। अनिकेत जी से मेल किया था परंतु रिप्लाई नहीं मिला। सौरभ भाई कह रहे हैं कोई रिप्लाई मिला। अनिकेत भाई, आप सौरभ भाई की सॉर्ट आउट कीजिएगा कि क्या इनकी प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करो। कुछ हैकिंग वगैरह हुआ, कॉइन्स का चोरी हो गया है, जल्दी जल्दी इनको आप सपोर्ट कीजिएगा। रूपाली बहन कह रहे हैं कि दिल्ली ऑफिस को भी अच्छे से रन कराओ सर, फुल टीम के साथ। रूपाली बहन, 100% वो ऑफिस चल रहा है, बट मैंने वहां पे ये चीज बंद किया कि जो पिछले काफी टाइम से मैं देख रहा था कि वहां पे लोग क्या कर रहे थे कि अपने अपने कॉन्सेप्ट को लेके वहां पे डिस्कस करते थे, बैठते थे, उठते थे, वो मैंने बंद किया है। क्योंकि वहां पे एटीसी का ऑफिस है, एटीसी की सपोर्ट के लिए है, एटीसी कंपनी के लिए, दूसरी कंपनी ले रही, इसलिए थोड़ा सा मैंने टाइट किया है वहां पे, बाकी कुछ नहीं है। सो आई थिंक काफी लोगों के क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। हीरेन भाई कह रहे हैं कि पीएसटी क्या है। हीरेन भाई, जैसे मैंने पहले बताया था, पीएसटी को और मजबूत तरीके से हम लोग लाइव कर रहे हैं। मैं सिर्फ मैंने सिस्टम तैयार रखा है, मैंने पहले ही बताया था, सारे सिस्टम मैं तैयार रखे हैं, ऑटोमेटिकली सारे सिस्टम जो है वर्किंग करना शुरू कर देंगे। मैं वेट सिर्फ एससी ऑर्डर का कर रहा था, वो आ चुका है, और मेरे भी जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी मेरे सपोर्टर्स हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, और हम लोग दोबारा से एक अच्छी तरीके से फंड इन्वेस्टमेंट करके क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में इसको बहुत आगे बढ़ाएंगे। सो आई थिंक क्वेश्चन आंसर काफी लोगों के हो गए हैं, और जैसे मैंने बताया था कि आधा घंटे के लिए मैं आऊंगा, और फिर भी किसी का क्वेश्चन आंसर है तो आप मुझे बता सकते हैं, इसी इसमें लिख सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई दूं। और आप स्वस्थ रहें, अपने घर में रहें, और अपने परिवार की से वो करें, सुरक्षा करें। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, बहुत अनुभवी आदमी हैं, मैं शैल्यूट करना चाहूंगा कि उनको कि उन्होंने ऐसे वक्त के ऊपर इंडिया में जो ये महामारी फैली है, ऐसे वक्त के ऊपर उन्होंने डिसीजन लिए हैं, तो ऐसे प्रधानमंत्री के लिए हमें सबको शैल्यूट करना चाहिए, हमें उनकी बातें माननी चाहिए। नो डाउट हमारे आपसी विवाद हो सकते हैं किसी भी कम्युनिटी के या किसी भी समाज के। आज हमें जो भी ये वायरस है, ये समाज देख कर नहीं आता है, ये पैसा देख कर नहीं आता है, ये किसी का चेहरा देख कर नहीं आता है, ये किसी को भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि पिछले काफी टाइम में स्पेन की जो महारानी थी वो इससे एक्सपायर हो चुकी हैं, यूके के जो महाराजा हैं उनको हो चुका है, यूके के जो प्रधानमंत्री हैं उनको ये वायरस हो चुका है, और भी हॉलीवुड के काफी लोगों को हो चुका है। काफी लोग हैं जो मतलब आप देखेंगे बहुत अच्छे कुक थे यूएस में, जो मतलब बहुत बड़ा अच्छा प्रेजेंट करते थे इंडिया को, वो इसमें एक्सपायर हो चुके हैं। बहुत लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं। तो मेरी एक ही आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, बिजनेस जो है वो चलता रहेगा, सुरक्षा के साथ अपना बिजनेस कीजिएगा, परिवार को सुरक्षित रखिएगा, अपना सुरक्षित रहिएगा, तो बहुत बेनिफिट रहेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज के टाइम में जो हिंदू लोग हैं वो रामायण देखें, 9 बजे रामायण आती है, रात को आती है, सुबह आती है, और मैं खुद देखता हूँ उसको। मुझे देखने के बाद दो तीन चीज, मुझे हर वर्ड को आप देखेगा उस चीज को, तो उसमें कहीं ना कहीं ज्ञान छुपा हुआ है, मोटिवेशन छुपा हुआ है, एक दूसरे की इज्जत करने का कैसे इज्जत किया जाता है एक दूसरे से, वो सब छुपा छुपा हुआ है। तो हमें आज की डेट में ये वक्त है कि हम कुछ ना कुछ सीखें, घर बैठ के कुछ सीखें, बिजनेस करें, ऑनलाइन बिजनेस करें, स्टडी करें, तो काफी बेनिफिट मिलेगा। और मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आऊंगा, जैसे नॉर्मल सिचुएशन होती है मैं अपडेट देता रहूंगा। सारे सिस्टम हमारे लाइव है और हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, और अच्छी वर्किंग में, और बहुत जल्दी एटीसी के अंदर, पारो एक्सचेंज के अंदर, ओहो कैश के अंदर जो भी समस्या है लोगों की सॉर्ट आउट होंगी और अच्छा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, और अपनी सुरक्षा कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।